नमस्कार दर्शकों, अमरोहा की आवाज में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। उत्तर प्रदेश के गजरोला से जहां सरकार द्वारा छात्र छात्राओं के तकनीकी सशक्तिकरण के लिए निशुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण योजना के अंतर्गत सिद्धार्थ शिक्षा संस्थान में टैबलेट स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम समारोह किया गया। छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षक विधायक हरि सिंह ढिल्लो उपस्थित रहे। शिक्षक विधायक ने छात्र छात्राओं को योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सभी छात्र छात्राओं ने सरकार की इस योजना की प्रशंसा करते हुए सरकार को धन्यवाद दिया। रविदास सिद्धार्थ ने बताया कि छात्र छात्राओं के तकनीकी सशक्तिकरण सरकार द्वारा संचालित ये योजना निश्चय ही एक सराहनीय कदम है, क्योंकि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो मोबाइल टैबलेट से वंचित हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे स्वयं को आधुनिक शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं। सरकार आदरणीय योगी जी को, हायर एजुकेशन के तमाम बच्चों को बगैर किसी भेदभाव जाति बिरादरी धर्म को सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ जो काम कर रही है उसी के तहत घोषणा किया था प्रदेश सरकार ने स्मार्ट मोबाइल फोन बांटने का काम। अच्छा, जैसे कितने बच्चे हैं? 43-43 बच्चे। अच्छा, जैसे नगर निकायों के चुनाव इस समय चालू हैं और चुनावी सरगर्मी भी तेज हो रही हैं, तो अभी तक यहाँ भाजपा का क्लियर नहीं हो पाया कि किसको कौन दावेदार है, तो इसके बारे में बताएं। अभी तो आपत्तियों का टाइम है, आज आपत्ति हुई। जैसे समय बहुत कम रह गया है और फिर आपके जो पूरे उत्तर प्रदेश के जो मालिक हैं और सर्वे सर्वा हैं, जो आपके समधी हैं भूपेंद्र चौधरी जी, आपको सारी जानकारी। राजनीति बिल्कुल अलग चीज, संगठन का काम है पार्टियों को टिकट देना, वो होगा अच्छा होगा जो संगठन देगा उसी ढूंढ लड़ा दें। हमारा काम तो लड़ाना, हम गजौली के तो गजौली के नगर पालिका जो है मुझसे ज़्यादा कौन जानता है, क्यों आप तो सब गवाह हैं इस बात। पार्टी अगर कहेगी तो हम जहाँ जिताने की बात जुटाएंगे तो पूरी ताकत आए, जिसको भी टिकट मिलेगा उसको जिताने का काम होंगे पूरी ताकत। ऐसी सीट है तो उसको लेकर भाजपा के दावेदार कुछ नहीं देख रहे हैं, कोई दावेदार नहीं है भाजपा में, एससी में कोई ठोस दावेदार नहीं दिख रहे हैं। बहुत जी, हमारे पास ठोस दावेदार है, हमारे पास बहुत बार दावेदार नहीं। जो आपकी नज़र में जो ठोस दावेदार हैं कौन है भाजपा में? देखिए, हम लगभग पार्टी संगठन काम करता है, तो संगठन के लोग जिसे भी टिकट देंगे उसकी अभी हम इस विषय में कुछ नहीं कहेंगे कौन है कौन नहीं है, जिसको भी टिकट मिल जाए जिसका भी भाग होगा अच्छा प्रत्याशी आएगा, निश्चित रूप से चयन अच्छा होता है, बहुत अच्छे प्रत्याशी को उतारने का काम करेंगे, टिकाऊ हो अच्छा हो टिकाऊ हो ये भाजपा का एजेंडा है। ठीक है, और इसी के साथ देखते रहे अमरोहा की आवाज़।